हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी माँ कलकत्ता से आ गई है, बहुत दिनों के बाद, लगभग 6 महीने के बाद आई है। और मैं बीच में भी वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और माँ आ गई है तो चलिए माँ से मिलवाते हैं। वो भी मेरे एक्सीडेंट का नाम सुन करके ही आई है। देखिए गाइस, माँ आ गई, दिनों के बाद आई है कलकत्ता से। सुने हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ से भाग करके आई है जल्दी जल्दी में कि बेटा का एक्सीडेंट हो गया। कितना दिन रह रही माँ? 6 महीना रह रही। खूब घूम रही फिर रही ना, अकेला भाग रही। हाँ, सुने कि बेटा के एक्सीडेंट हो गया तो दोबल चल ले ना। चल चल किचन रूम में। देखिए चली आई है। तबीयत ठीक रहो रे माया? कहाँ कहाँ घूम रही था? दक्षिणेश्वर। और कहाँ? गंगा घाट। गंगा पार गंगा जहाज पर चढ़ कर लेट से पहुँचा तो ना दिखावे ला रहा है। सब तो डागू हो गई है, अब तो घाव छूट गई तब अलिए बच गए भगवान के। भगवान ने बचावे। हाँ, तो आगे मुँह हम तो फेंका गई रोड, बेचारा के तो पूरा माथा फट गए। भागे से बच भाग से भगवान बचलती। हाँ, सब भगवान ठहरा। हाँ हाँ, देखिए दोस्तों, माँ का दिल कितना बड़ा है। सुनिए कि बेटा का एक्सीडेंट हो गया था कलकत्ता से, भैया को जिद करके आ चली आई वहाँ से देखने के लिए। टिकट तो नहीं मिल रहा था, पर्स का समय था इसलिए। क्या बना रहे हैं? अच्छा गाइस, खाना बन गया। कटहल का सब्जी बना है, रोटी बना है, मम्मी जी के लिए बैंगन का और टमाटर का चोखा बनाया है। हाँ, उसको तो खाना है सदा सुधी। हाँ, हाँ। है, बहुत किस्म का बीमारी है इनको, इसलिए तो तेल मसाला साफ नहीं खाते। हाँ। तो कुछ बनाना पड़ता है, तो इसलिए कदुआ का भुजिया थोड़ा सा था बनाए हैं, बैगन का चोखा बनाए हैं, वही खाई है। अब जाते हैं चाय बना कर, दूध गर्म करेंगे तब देंगे, दवाई खा के आराम करेंगे। आप लोग भी चाय पीजिएगा तो आइए, सर्दी चाय नहीं पीते। गाइस, हम सब तो ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं, काहे कि इधर स्कूल में इनका 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल है, चले जाते हैं स्कूल, तो टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बनाने के लिए, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। आज छुट्टी है तो बना रहे हैं, अब गर्मी छुट्टी होने वाला है, 2-3 घंटा के लिए क्लास चलेगा बच्चों के लिए, तब बनाएंगे रेगुलर ब्लॉग। अगर सप्ताह में 2-3 तो डाल ही देंगे बना के। सक्षमता एग्जाम दिए हुए हैं तो उसमें तो पास कर गए हैं, तो अब इनका भी तो ट्रांसफर निश्चित है। नंबर तो है अच्छा, देखिए बोला था कि जिसका अच्छा नंबर हो उसको अगल बगल में ही देंगे, अब इनका कहाँ जाता है क्या होता है। भेंट तो कीजिएगा, लेकिन एक एक दो आदमी को भेंट कीजिएगा, एक तो पूरा गांव के सब एक दिन भेंट कर लेंगे। घूमने के लिए आई है, पूरा गांव घूमने लगी ना, पहले आई है तो पूरा बक्सा पेटी जितना है सब घूम के पूरा घर में छीट ले है, और छीट उठ के तब संगले है पूरा होली में न सब हम साफ किए हैं, पूरा गांव घूमी है, सबके दिखा दिए कि हम आ गए ना। स्कूल पर नहीं आ पर बैठे ले बात देख रहे थे घर के पूरा दिखा रहे कि हम आ गए जा गए घर तो दोस्त सब खोजत रहे रोशनी के मैं खोजत रहे हो सब की तो देख रहा कथी नाम है उनका तो पुतिया कथी नाम है नेहा के दादी खुशती थी नेहा के दादी खुशती थी। हां अगरु अभी नाम उनका निजवा में गेठिया बड़ा मच्छर है ना, सुनते हैं पल जलाई थे बाबू कहाँ जल तुम्हें पूजा कर
तो गाइस आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए और मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।